ये क्वांटिटी मेरी है भाई, देखो कैसी लंबी सी स्मेल है। बैठो, जो मेरी रील्स देख रहे होंगे, इनको देख रहे होंगे मेरी रील्स में। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और मैं बताऊं, मुझे आप लोगों से ना बहुत सारी बातें करनी है। बहुत दिनों बाद मैं घर में एक व्लॉग बनाने जा रहा हूं, तो बहुत सारी बातें करनी है, तो बने रहना वीडियो में, ठीक है। बाकी अभी मैं जो करने वाला हूं वो आप लोग देखो। फ्री जाता हूं मैं पहले अपने काम से, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक। आप लोग बैठो यहाँ पे आराम से और देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उसके बाद आप लोगों से मैं मिल करके सारे बात बताऊंगा। इससे भी मिल लो गाइस, इधर हेलो करो। अरे हेलो बोलो भाई, कुछ तो बोलो। गुड बॉय। तो गाइस, आप लोग यहाँ बैठ के देखो कि दीदी के जाने के बाद कितना चेंज आया है मेरी लाइफ में, ठीक है। चलो तो देखो, ये ऐसे ही कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में अभी जब से दीदी गई है, कि सारा घर मुझे ही सही करना पड़ता है। बिकॉज मम्मी घर का इतना काम करती है, कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, और बाकी जो भी काम होता है किचन का, उसे मम्मी करती है। तो पूरा घर मुझे सही करना पड़ता है। सबसे पहले मैं करता हूँ अपना ये वाला हॉल, क्योंकि आपने पहले ही बहुत बार देखा होगा। बाकी अब करते हैं इस वाले को हॉल को ठीक। तो इसमें ज़्यादा काम रहता नहीं, क्योंकि एक बिस्तर पर कुछ होता नहीं है, ये खाली रहता है। तो ये कोई आता है ऐसे कोई, जैसे लाइक जिसको हम घर में नहीं घुसाते हैं, तो उसको हम यहीं बैठा देते हैं। तो इसमें ज़्यादा काम नहीं है बस ये है। बाकी ये चेयर, इस पर सामान रखे हुए, और इसके बाद है ये वाला रूम करते हैं अब ठीक थोड़ा। तो बेड, तो ये भी बेड ऐसी हो गया जब से दीदी गई है। पहले प्रशांत यहाँ सोता था, जब मैं और दीदी या प्रशांत थे तो प्रशांत यहाँ सोता था। बाकी ये डैडी का रूम है, और इस अब इसको ठीक करते हैं। ऑल सेट, बिस्तर लगा दिया, इधर से सब सही कर दिया है, बाकी इधर भी सब कुछ ठीक कर दिया। ये वाला रूम भी हो गया डन, अब चलते हैं दूसरा काम करने। मैंने आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी मैं घर से ही कर रहा था तो मैंने देखा कि ये देखो, ये ना 6 दिन पहले हमारे घर में वो आया था, क्या कहते हैं, खरबूजा की तरबूजा, पता नहीं क्या तो कहते हैं, खरबूजा कहते हैं शायद, आई थिंक, हाँ खरबूजा ही कहते हैं। तो वो आया था, तो मम्मी को शौक था कि उसके बीज निकाल के वो किसी हलवे में डालेंगी, शौक था। बाकी ये देखो, ये खरबूजे के बीज सूखा तो लिया मम्मी ने, पर इसको छिलने में मम्मी आलस कर रही है, 6 दिन जैसी पड़ा है। अगर ये मैं जब फेंकने जाता हूँ घर सफाई में, तो बोलते नहीं रहने दो, मैं फेंक निकाल लूँगी। बाकी देखते हैं कब इसका मुहूर्त आएगा निकलने में। ऐसे में मम्मी बहुत सारी चीज़ें रख लेती हैं घर में कि इसका फ्यूचर सोच के ऐसे ऐसे करेंगे, बट ऐसा कभी होता नहीं, वो एंड में फेंकता ही है। ये भी ऐसी कंडीशन पे आ गया कि इसको हो सकता है मैं 1-2 दिन में फेंक दूँ चोरी से, बट वो बात लगेगी उसके बाद मम्मी जो बहुत मारेगी और डांटेगी, तो सुन लेंगे कोई बात नहीं। मम्मी से तो एक अलग बॉन्डिंग है ही मेरी। जिन जिनको ये लगता है ना कि घर के झाड़ू पोछे, ये घर के काम सिर्फ लड़कियां करती हैं घर के, देख लो हकीकत, सिर्फ लड़कियां नहीं करती हैं। अगर लड़कियां लड़कियों का काम करती हैं ना, तो लड़के भी लड़कियों के काम करते हैं। आज काम करते करते इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं ना, तो मेरे को लग रहा है कि सारे कुछ आपको भी बता दूँ। देखो, आप लोगों ने बहुत सारी रील्स और बहुत सारी वीडियो देखी होगी जहाँ पे लोग मोटिवेशन करते हैं, मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को कि गाइज जिम करो, ये करो, वो करो। तो जिम करते करते ना उनके हाथ में उनकी बॉटल देखी होगी, तो अपने पास इतना टाइम भी नहीं और इतनी हिम्मत भी नहीं और इतना आलस है कि कर ही नहीं सकते हम जिम। तो बट जिम नहीं कर सकते, पर ये वाली बॉटल मैंने ले आया था कि मैं जिम करूँगा तो ये वाली बॉटल में पानी पीऊँगा या जो भी पीऊँगा। तो जिम तो हो नहीं पा रहा है, तो घर साफ करते करते मैं ये मतलब सपना पूरा हो रहा है कि ये वाली बॉटल में कुछ भी पीना है तो पानी रख के इस वाली बॉटल में पी रहे हैं घर साफ करते करते। देख रहे हो, मतलब खर्चा हुआ है तो भाई वसूल तो होना चाहिए ना, तो वसूल तो कर रहे हैं हम। पता है इस वाली बॉटल को पहले, मतलब अभी तो नहीं, बट पहले जब हम देखते थे ना कभी कहीं शॉप पे, तो लाइक एक तो कहते थे जिम वाली बॉटल, और एक हम कहते थे बिग बॉस वाली बॉटल। जैसे बिग बॉस में आपने बहुत लोगों को देखा होगा, जब बिग बॉस शो आता था पहले, या पहले हम भी वो उनमें से आते थे जो बिग बॉस देखते थे, बट अब नहीं देखते हैं, अब हम मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है, पता नहीं हुए भी कि नहीं हुए। तो उसमें सबके हाथ में ऐसी पर्सनल पर्सनल बॉटल होती थी, तो बड़ा सपना था कि अपने घर में एक पर्सनल बॉटल होगी जिसमें मुँह लगाकर पानी पी सकते हैं। तो आज वो सपना पूरा हो रहा है, ये बॉटल मेरी है, इसमें मैं मुँह लगाकर पानी पी सकता हूँ। ये देखो गाइस, घर का काम तो हो चुका है, अब ये देखो मम्मी लाई है चाय, मलाई जम गई यार, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है चाय में ऐसे मलाई जमे। ये देखो मम्मी नाश्ता लाई, ये मम्मी का एवर ग्रीन फेवरेट, क्या कहती है मम्मी इसको, पता नहीं क्या, मूढ़ी वूढ़ी पता नहीं क्या कहती है। और ये भी लाई है मम्मी, और ये देखो एक अचार है, ये मिर्ची का अचार, ये पराठा खाएगी पहले मम्मी, और फिर ये खाएगी, फिर चाय पिएगी। और अभी मम्मी ने नमकीन मंगाया बाहर से, देखो वहाँ खड़ी है ना मम्मी,
नमकीन मंगाया किसी से कि नमकीन मिठाई। ये देख लो मम्मी कितना खाती है, मम्मी को खाना कितना पसंद है, ये देख लो आप लोग। आगे हम तो पहले पीते हैं अपनी चाय, अल्लाह मिठे। आगे तुम्हारा नमकीन, इतना नाश्ता लेके बैठी हो, अभी कम पड़ रहा है तुमको। उतने में हम दोनों खाएंगे। अरे किसी ने स्पाइक कैमरा लगा कर ना दिखवाऊंगा कि तुम कितना खाती हो। तो गाइस बहुत दिनों हो गए मम्मी से नहीं मिले आप लोग, मम्मी से नहीं मिले गाइस। हेलो गाइस, इतना हल्ला हो रहा है ना गाइस क्योंकि देखो सामने ना स्कूल की छुट्टी हो रही है, मैं दिखाता हूँ उनको आप लोगों को। इतना नॉइज जो आपको सुनने को मिल रहा है ना, पीपू पापी जो भी है वो इसके कारण ही है। और ये नॉइज कभी ख़त्म नहीं होता है। मम्मी बना रही है अपने लिए एक मस्त सा नाश्ता भगोना भर के, तो वो खा लेगी। अब मैं चाय पी लेता हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। देखो गाइस ये क्वांटिटी मेरी है, देखो ये देखो इतना है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फुला हुआ है, ये इतना है। एक बार मम्मी की क्वांटिटी देखो, ये मम्मी लेकर मम्मी बना के रखी है। अरे ये जब काली होगा ना गाइस तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखो कितना सारा मम्मी ने दिया। मम्मी मुझे कह रही है कि मेरे ऐसा खाने का ब्लॉग मत डाला कर, निक्के दिखे ससुराल वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं सिर्फ खाती रहती हूँ क्या। अरे एकदम झूठ बोल रही है, और रोटी खा रोटी नहीं, रोटी थोड़ा सब कुछ खाती हो तो नहीं, कल खाना खाई परसों पूरा दोनों सुबह मैंने खाया, सुबह ना शाम। अच्छा एक तो दांत निकल गया ऐसे कोई चीज इतनी दिक्कत हो रही है, दांत दोनों तरफ से निकल गया। तो गाइस नहावा तो लिए और चलिए मैं आपको किसी से मिलाता हूँ, और जो मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं उनको तो पता होगा मैं किससे मिलाने जा रहा हूँ। मैं तो मिलने के बाद पता चल जाएगा कि वो कौन है, बाकी आप लोग भी मिल लो। बाकी मम्मी सब कुछ खाना खा के बैठी है, फ़ोन देख रही है। हमारे घर में बच्चे फ़ोन नहीं देखते, हमारे घर में बच्चे फ़ोन से काम करते हैं और हमारी मम्मी फ़ोन देखती है, वो रील देख रही है। शर्म कर लो, बिगड़ गई हो तुम। तो भाई साहब लक्ष्य भाई से तो पहले मिलो होगे, बट मैं मिलाता हूँ किसी और से, मतलब वो लक्ष्य भाई से रिलेटेड है, बट मिलाता हूँ थोड़ी देर में आप लोगों को उनसे। भाई इस बंदे का ना मुझे ना एटीट्यूड बड़ा गजब लगता है यार, कसम से बता रहा हूँ, इस बंदे का एटीट्यूड ऐसा है ना। आशीर्वाद है, बॉडी भाई का हमारा प्यार है, कल तुम तारीफ कर रहे हैं कुछ भाई इनसे मिलिए। ये है हमारे रील क्रिएटर बॉय, जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा, मेरे साथ रील देख रहे होंगे, तो यही वो बंदा है जिसके साथ मैं रील बना रहा हूँ। तो अभी ये थोड़ा सा बिजी है, उसके बाद थोड़ी देर बाद मिलते हैं और बताते हैं ये कौन है। तो गाइस अब बंदा ये फ्री हुआ है, अब इससे मिल लो कि जो आप मेरी रील्स देख रहे होंगे, बाकी तो आप लोग शॉर्ट्स तो देखते नहीं हो, मैं अपलोड कर देता हूँ फिर भी, बट जो मेरी रील्स देख रहे होंगे इनको देख रहे होंगे मेरी रील्स में। और बहुत लोग मुझे पर्सनली पूछ रहे हैं कि कौन है भाई कौन है। तो भाई ये हमारे पड़ोसी, हमारे जिगरी, हमारे दोस्त हैं अक्षय भाई। तो अक्षय भाई ने मुझे बहुत हेल्प की है रील्स में, तो आप कुछ कहना चाहते हो अक्षय भाई? बस मैं गाइस यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का प्यार चाहिए, आप लोग हमारी वीडियोज़ को देखें, बहुत ज़्यादा शेयर करें, उनको अपनी स्टोरीज पर लगाएँ, ताकि हम लोगों का जो एक ड्रीम है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। बाकी दैट्स इट, आप लोग अपना ख्याल रखें और मस्त रहें। बाकी ये देख लो ये शॉप है, जब आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कहाँ वीडियो बना रहे हो, ये कैसी शॉप में जा रहे हो, तो ये शॉप है, इसी में पूरा स्टूडियो बना दिया इस शॉप का हमने, इसी में हम वीडियो बनाते रहते हैं इधर उधर। अभी भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, वो आपको इंस्टाग्राम पर पहले मिलेगी, उसके बाद आपके यूट्यूब पर आएगी। तो पहले इंस्टाग्राम फॉलो कर लो, वहाँ पर जाके देख लेना, फिर आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। ठीक है, बनाए डन। A few moments later. तो गाइज अभी हमने एक रील बनाई है, बहुत 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 बेहतरीन है, हमारा खुद का कंटेंट है। तो भाई अक्षय भाई ने बहुत हेल्प की हमारी, और मैंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की गाइस, तुम्हारा भाई तो एक्टिंग करता ही अच्छी है। बाकी अक्षय भाई ने भी तो पहले दिन क्या था कि अक्षय भाई बहुत सारे छोटे छोटे शॉट ले रहे थे और बहुत टाइम ले रहे थे, बट अब तो ये भी प्रो हो चुके हैं, एक ही सीन में मारते एकदम सही से डायलॉग। तो भाई हमने बनाई, आप देख लेना कैसा है, पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पता तब भी कर देना यार, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, आगे और अच्छा होगा, क्यों सही बात है कि नहीं? बिल्कुल बता सही बात है, आप लोग वीडियो को देखिएगा, जल्दी अपलोड हो जाएगी, आप लोग देखिएगा उसको, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाकी अब एडिटिंग का टाइम है, रील एडिट कर लेते हैं, बाकी ब्लॉग तो चलता रहेगा। गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मैं रील तो बना दिया था, बट अभी हम जा रहे हैं अपनी चाची के यहाँ। तो मम्मी और मैं जा रहे हैं चाची के यहाँ, तो कुछ काम भी था और उनसे मिलना भी था, चलो चलते हैं। तो गाइस आते ही कंप्लेन स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस हम बेसिकली आए हैं इसके लिए, बिकॉज ऐशु की तबीयत नहीं ठीक है। क्या हो गया?
फीवर क्या किस क्यों हुआ फीवर? क्यों नहीं बताया होगा ना, मैसेज जैसे किया होगा। तो गाइस आज हमारी आंटी ने, जैसे हमारी सुंदर सी आंटी वैसे गंदी सी खिचड़ी बना के दे दिया हमें। भाई कोई खिचड़ी खिलाता है कोई घर पे आता है तो? हाँ, बहुत अच्छी खिचड़ी है। कितनी हैवी और कितने डेकोरेटेड है, देखो ये छाछ नहीं लिया तुमने। लो वो तो मैं ले लूंगा, पर देखो बीमार ये है और इस लड़की के कारण सबको खिचड़ी खानी पड़ रही है। हे भगवान, ये तो गजब ही हो गया। इसने तो खाना ही नहीं खाया गाइस। इसकी मीटिंग चल रही है, इनकी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इसलिए बहुत टेंशन में बैठे। तो गाइस फाइनली दीदी ने हमें चाय तो दे दी है, थैंक यू दीदी। तो गाइस मम्मी तो गई है वहीं पे, मम्मी को मैं वहाँ छोड़ के आ गया बिकॉज ऑफ दिस, इस लड़की के कारण, क्योंकि मुझे इसका भी ध्यान रखना होता है। तो वहीं पास में गए थे, वहीं मैं वापस आ गया। अब इसको चलते हैं लेके वॉक कराने, और ये इसका हैप्पी टाइम रहता है तो इसको थोड़ा सा इंजॉय करवाते हैं। चलो चले चले, खुशी देखो उसके चेहरे पर, स्माइल देखो कैसी लंबी सी स्माइल है। बैठो पहले बैठो, सिट। ये देखो भाई साहब, सारी बातें सुन लेगा ये सारी बातें। ये आए नीचे वहाँ से, इधर से उधर दौड़ते रह रहे हैं सर। और जिसने मेरी आज रील देखी होगी ये सीन याद होगा, ये प्लेस एक्चुअली, इस प्लेस में हमारा आखिरी रील की वो बनी थी क्लिप। भाई सोने में बड़ा मज़ा आया था यहाँ पे। पूरी दुकान में सो गए थे कल तक। तो गाइस यहीं से शुरू किए थे, यहीं पे ख़त्म करते हैं कि दिन की सफाई से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, पूरा घर फिर से गंदा हो गया, कल से फिर से वही जिंदगी स्टार्ट हो जाएगी। बट कल कुछ अलग भी होगा, मैं आपको दिखाऊंगा जरूर कि आप लोग को लगता है सिर्फ मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, ब्लॉगिंग के अलावा भी मैं बहुत कुछ करता हूँ, वो मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगा। बाकी फिलहाल देख लो, डैडी अभी घर पर है नहीं और खाना उन्होंने खा लिया, हम जा रहे हैं सोने। डैडी बेसिकली गए हैं बनारस और कुछ दिनों में वो भी आ जाएंगे, तो मैं उनको उनसे मिला दूंगा आप लोगों को। क्या हो रहा है क्या हो रहा है? बाकी फिलहाल प्रशांत से मिल लो, प्रशांत कुछ चाहते हो मेरे ब्लॉग चैनल के लिए? हेलो गाइज, देखो यार के नहीं के बोले छी ना, क्या ये क्या था? तो गाइज ब्लॉग खत्म करते हैं, कल मिलेंगे, और ये ब्लॉग डेली आते रहेंगे, तो इसलिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर देना बिकॉज ये मेरे बच्चे को देखते हैं। ठीक से आराम से, ऐसे नहीं। और सीजर के रील डाल दी गाइज मैंने इसके इंस्टाग्राम के पेज पे, तो जाके फॉलो कर लेना। तो गाइज मैं कल से कंटिन्यू ब्लॉग बनाने वाला हूँ, तो आप लोग को लाइक करना है बिकॉज आप लोग लाइक करो तभी मोटिवेशन बढ़ती है और तभी ब्लॉग बनाने का मन भी करता है। और आप लोग नहीं करते हो लाइक वाइक कमेंट वमेंट नहीं करते, तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार किसके लिए बनाऊँ। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है? मिलते हैं कल, बाय बाय।